बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर से भारी बारिश हो रही है। यहां बोरीवली, कांदीवली, अंधेरी, भांडुप, दक्षिणी मुंबई समेत तमाम इलाकों में भारी बारिश और आंधी से जनजीवन पर असर पड़ा है। बारिश के चलते यातायात और ट्रेनों की आवाजाही धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण इलाके में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा के कम दबाव की वजह से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में अगले 48 से 72 घंटों के दौरान मुंबई समेत कोंकण इलाके में बहुत तेज बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए शहर के सभी स्कूल और कॉलेजेस को एहतियातन आज एक दिन के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है। साथ ही भारी बारिश की आशंका देखते हुए आम लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें, पिछले महीने ही 29 अगस्त को भी मुंबई में जोरदार बारिश हुई थी और इस कारण सड़कें और रेल लाइन घंटों पानी में डूबी रही। लोग अपने दफ्तरों में, रेलवे स्टेशन पर फंसे रहे। हालांकि प्रशासन का दावा है कि पूरी तरह वो सतर्क है, सारी तैयारियां की गई हैं। मुंबई पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर्स भी यहां पर जारी किए हैं। परेशानी की स्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम से संपर्क करने की सलाह भी दी गई है।